हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, कैन यू गाइस सी मी? सो भाई, जल्दी सब लोग आ जाओ। कमेंट दिख रहा है? यस, आपका कमेंट दिख रहा है। जो लोग भी आ गए हो भाई लाइव, कमेंट कर दो। पहली बार इससे लाइव आ रहा हूँ तो मेरे को आइडिया नहीं यार। हेलो, हाय, कैन यू सी मी? हेलो, सब लोग आ गए हो भैया? 615 आया है। कितना आया? रुक जाओ, अभी सब कुछ डिस्कस करते हैं। रुक जाओ यार, अभी मैं आप लोग के लिए लाइव शो। सो मेरे को तुम लोग का कमेंट शो होने लगा है। लाइव बहुत कम लोग आए हुए यार, क्या हुआ? चलो, तो मेरा दिख रहा है। हम लोग डिस्कस करेंगे आज क्या कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। भाई जल्दी से कमेंट करो, क्या क्या, कैसे कैसे आ जाओ जल्दी। सब लोग बहुत कम लोग हो अभी लाइव। 20 के रैंक यूपी में मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा।
कितने लोग हो भाई? बाकी सब कहाँ गए वो? हेलो सभी को, जल्दी से आ जाओ तो यार अपन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ भाई, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। चलो तो जल्दी से लोग आओ और कोई भागेगा नहीं, ठीक है? कट ऑफ क्या रहने वाली है? कट ऑफ सबसे बड़ा हमारा लिए सवाल है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो कट ऑफ के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? हम लोग कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कट ऑफ क्या रहने वाली है यूपी की भाई, यूपी की क्या रहने वाली है, ऑल इंडिया कोटा की क्या रहने वाली है। पहली बात ये जो वीडियो ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर शूट कर रही है, ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं इसके लिए आपका बेसिकली हम लोग कर रहे हैं इसलिए कि आपको ऑल इंडिया कोटा की सारी कट ऑफ पता चल पाए। अभी 19 लोग लाइव हो सिर्फ, ठीक है? चलो धीमे धीमे आ जाओगे। मैं इस वीडियो में बहुत स्पेशल चीज़ लेके आ रहा हूँ आपके लिए यार। देखो सबसे स्पेशल चीज़ क्या है अपने पास, पहले मैं इसको रब कर दूँ, रुक जाओ फिर आपको बताता हूँ सबसे स्पेशल चीज़ क्या। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, चैनल पर नए आए हो तो क्या काम करना चाहिए, चैनल पर नए नए आना चाहिए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कब करोगे भाई? तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? चैनल सब्सक्राइब कर लियो तो आगे की बात डिस्कशन होगा भैया। 4:30 जितने भी आपके जो आप कमेंट कर रहे हो, आपके सारे जवाब सवाल को जवाब दी मिलेगा, ठीक है? पहली बात आपको करना है, ओके, तो जो भी भाई पहले आपका सबसे पहला काम क्या है, चैनल सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब कर लिया कि नहीं कर लिया कमेंट करो, पहले ये बताओ चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, फिर आगे डिस्कशन होगा। बताओ भाई, बहुत बड़ा सेटअप लगाया हूँ यार, आईपैड कनेक्ट किया हूँ, लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ हूँ, अपना फ़ोन में देख पा रहा हूँ आपके कमेंट्स भाई। इतना कुछ कनेक्ट करने के बाद मैं 2 घंटे कम से कम इसमें दिमाग लगाया हूँ, तब जाके समझ में आया कैसे क्या करना है। 640 पर FMC में मार्क्स कमेंट नहीं करोगे, अब रैंक कमेंट करोगे। तो मैं आज आप लोग के लिए इस वीडियो में बहुत प्रोडक्टिव चीज़ लेके आ रहा हूँ। एक्चुअली वीडियो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव इस वैसे होगा क्योंकि भाई इसमें हम लोग सिर्फ ये नहीं डिस्कस करेंगे कि यार आपको आपके इतने मार्क्स, आपको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग ये करेंगे डिस्कस कि भाई ऑल ओवर इंडिया, आप किसी भी स्टेट से हो, आप किसी भी लिटरली किसी भी स्टेट से हो, मैं आपको हर स्टेट की लिस्ट दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि भाई इस मार्क्स पे आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई पहली चीज़ आप लोग ये बताओ कि कमेंट करो कि सब्सक्राइब कर दिया कि नहीं कर दिया चैनल। जैसे ही चैनल सब्सक्राइब कर लो, डन कमेंट करो, जल्दी से डन कमेंट करो, फिर मैं जल्दी से आपको लिस्ट दिखाना स्टार्ट करूँ। और भाई सिर्फ 24 लोग हो यार, यूपी का सब बताऊंगा मैं, यूपी का से लेकर के सब स्टेट जितने हैं ऑल ओवर इंडिया में, जितने स्टेट है सब कवर करूंगा, ठीक है? तो जल्दी से भाई आ जाओ, पहली चीज डन। चलो जिन जिन लोगों ने कमेंट कर रहा है, ठीक है, मैं विश्वास कर रहा हूँ तुम लोग के ऊपर, तुम लोग ने सब्सक्राइब कर लिया चैनल, ओके। सो गाइस देखो यार, पहली चीज़ मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ, देखो लिस्ट एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट है, ओके, इम्पॉर्टेंट लिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिस्ट है ये। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से आपके लिए। स्क्रीन पर लिस्ट देख पा रहे हो भाई? स्क्रीन पर लिस्ट आप देख पा रहे हो? ये बताओ स्क्रीन पर लिस्ट दिख रही है? स्क्रीन पे लिस्ट दिख रही है? नहीं दिख रही तो बताओ, दिख रही है तो बताओ। स्क्रीन पे लिस्ट दिख रही है ना? तो देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, देखो यार आंध्र प्रदेश स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? आंध्र प्रदेश में भाई हमारे पास देखो पहला मेडिकल कॉलेज रुक जाओ, मैं इसका थोड़ा सा डायमेंशन चेंज करूँ, आपको पूरा दिख नहीं रहा ना, पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है? स्क्रीन पे आपको दिख रहा है? पूरा कॉलेज का नाम नहीं दिख रहा होगा ना, आई थिंक सो, रुक जाओ लेट मी रीसाइज इट, रुक जाओ
ऑब्जर्व करूंगा, बताता हूँ, चिंता मत करिए, प्रबंध करता हूँ। यस, यस, दे रहा है। ओके, मैं अपने काम करता हूँ, इतना ही दे रहा है, तो मैं काम करता हूँ, उसको बढ़ा देता हूँ, उस रेंज को। कॉलेज का नाम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग हार्ड कि आपका कॉलेज का नाम मेरे को मैं दिखा पाऊँ, ठीक है, कॉलेज का नाम ताकि आप लोग देख लो। तो अब शायद आपको दिखने लगा होगा कॉलेज का नाम। कॉलेज का नाम दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा अभी भी? कॉलेज का नाम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कमेंट करो भाई। मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? भैया इंस्टा डीएम किया है, देख लेना प्लीज, देख लूंगा भाई, जल्दी बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, रुक जाओ यार, रुक जाओ, मैं काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से फ्रेश आपके लिए क्रिएट करता हूँ ताकि आप पूरी लिस्ट देख पाओ, ठीक है? ओके, मैं नया ऐड करता हूँ आईपैड को, ठीक है, पूरी लिस्ट ऐड करता हूँ। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, आप अपने मार्क्स तब तक कमेंट करते रहो, ठीक है, मैं सारे सवालों के जवाब आपको दूंगा, ठीक है ना? जो आप लोग कह रहे हैं ना मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना, तो सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। थोड़ा सा यार मैं अभी पहली बार कनेक्ट किया हूँ यार आईपैड को ऑप्स के साथ विद लैपटॉप, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही है यार, सही बताऊँ तो इट्स नॉट दैट ईजी कि सीधे मैं उठाऊँ हाथ और चलाने लगूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं सीखूँ चीज़ें जल्दी से, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लर्निंग फास्ट, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू लर्न फास्ट, ओके, आई एम ट्राइंग टू लर्न फास्ट ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ओके, रेस्ट मैं क्या कर देता हूँ, उसको बड़ा साइज कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पर दिखे, और मैं अपने आप को भी बड़ा कर देता हूँ। सही है, सही है, अब सही है, अब सही है, अब सही है, ओके फाइन, अभी सही है, मैं नहीं दिख रहा हूँ आपको, तो मैं अपना डीएक्टिवेट करके एक्टिवेट कर लेता हूँ खुद को, तो मैं अपने आप को ऊपर रख लेता हूँ। तो अब आप मेरे को भी देख पा रहे होगे और कॉलेज को भी देख पा रहे होगे, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो जल्दी से कमेंट करो। देख पा रहे हो ना अब एकदम क्लियर है ना? तो अब हम लोग उठाने जा रहे हैं, पहला स्टेट है हमारा देखो आंध्र प्रदेश, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो गौरव ने 20 रुपीज का सुपर चैट भेजा है, ओके थैंक यू भाई, आप लोग भेज सकते हो, ठीक है। तो भाई देखो आंध्र प्रदेश में अगर मैं आपको ट्रेंड दिखाऊं तो आप अपनी कैटेगरी देखो, मार्क्स से मतलब मत रखो, रैंक देखो, कैटेगरी देखो। आप जैसे मान लो आंध्र प्रदेश में अगर आप कॉलेज लेना चाह रहे हो और आपकी रैंक इस कहीं रैंक के बीच लाई कर रही है, ठीक है ना, तो जो भाई
क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मेरे को बहुत धुंधला दिख रहा है, पता नहीं क्यों यार। तो जब मैं हायर पिक्चर क्वालिटी लगा रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो भाई आप देख पा रहे हो ना सारा ये कॉलेजेस आपको दिख रहा है ना, रैंक 6436 AFMC मिल जाएगा, नहीं जान भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो, क्लियरली देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये बताओ पहले मेरे को जल्दी से बताओ, क्लियरली स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा यार कॉलेज का नाम और ये सब, नहीं दिख रहा क्लियरली। मेरे को यहाँ पे क्लियरली क्यों दिख रहा है यार, आपको क्यों नहीं दिख रहा क्लियरली? कॉलेज का नाम ही नहीं दिखेगा भाई तो कैसे काम चलेगा फिर? जल्दी से बताओ भाई, कॉलेज का नाम क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 720p पे दिख रहा है, दिख रहा है। अरे तो पहले तुम लोग कमेंट करना चाहिए थे यार, मेरे को लगा भाई नहीं दिख रहा यार, मैं एकदम टेंशनाइज हो गया, मैंने कहा क्या हो गया भाई क्यों नहीं दिख रहा। ठीक है चलो, तो कॉलेज का नाम दिख रहा है ना, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि कॉलेज का नाम तुम लोग को दिख रहा है, मैं लाइव तुम लोग का यहाँ पे देख रहा हूँ कमेंट, ठीक है। चलो तो देखो भाई, आप आंध्र प्रदेश में अगर कॉलेज लेने को सोच रहे हो तो आपके पास देखो ये ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में आप ये कॉलेजेस ले सकते हो। आप अपनी कैटेगरी देखो, एक तरफ जनरल लिखा है, एक तरफ SC लिखा है, एक तरफ ST लिखा है, अपनी कैटेगरी देखो और आपको क्या क्या मिल सकता है ये आप कॉलेज देखो, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है, ठीक है ओके। उसके बाद आप आओगे असम पे, आओगे असम पे, आओगे तो देखो असम के लिए आपके पास देखो है, असम में देखो जो मेडिकल कॉलेजेस है, अगर आपको असम में चाहिए कॉलेज तो आपको इस मार्क्स पे, मार्क्स कह रहे सॉरी, इस रैंक पे आपको ये पर्टिकुलर कॉलेज श्योरली मिल जाएगा, डैम श्योर मिल जाएगा, मतलब इससे नीचे मान के चलो 1000 रैंक नीचे तक भी मिल जाएगा, ठीक है। आते और नीचे आते हैं हम लोग, बिहार में आ जाते हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया कवर करूंगा, मैंने पहले ही बोला था। आयरन मैन 362 SC बिहार BMS मिलेगा या BHMS? BHMS, ठीक है। आपकी सारी क्वेरी मैं आखिरी में मैं लूंगा, इसी वजह से कह रहा हूँ कि लाइव बने रहो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं अगर मैं बिहार की, तो बिहार का आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इतने रैंक पे इतना कॉलेज मिला है, तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा से अगर आप एम कर रहे हो बिहार के कॉलेज को, तो देन यू कैन गो फॉर इट। 450 SC UP रैंक, 1,26,000 में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ आपको दिख रहा है भाई, एक ही कॉलेज है वहाँ पे, JMC चंडीगढ़। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में आप देख पा रहे हो भाई क्या कट ऑफ जाते हो दिख रहा है आपका, ये कट ऑफ है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब ये आपकी रैंक सेफ रैंक है, इसके 1000 रैंक 2000 नीचे रैंक तक मिल सकता है कॉलेज, ठीक है। आते हैं दिल्ली के कॉलेजेस, तो दिल्ली के कॉलेजेस में आप देख पा रहे हो भाई, अपने तीन ही कॉलेजेस लिखे हैं, IP के कॉलेजेस में इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो 1216 1771 और 163 है, ठीक है। गोवा में एक ही कॉलेज है, अगेन वही चीज़ आप ट्रेंड फॉलो करोगे। फिर आते हैं गुजरात में, गुजरात में बहुत कॉलेज है, बहुत ढेर सारे कॉलेज है, मगर अभी यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ मेजर कॉलेजेस की बात करूँ, तो इन मेजर कॉलेजेस में आप ऑल इंडिया कोटा से अगर कॉलेज लेना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आपको ये क्लियर है कि आपको मतलब आपका गुजरात का क्लियर हो गया। अब आते हैं हरियाणा पे भाई, हरियाणा पे हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो हमारे पास BPS का है, ठीक है। BPS सोनीपत मेडिकल कॉलेज आपको 10,919 बोल रहा है, तो मान के चलो 12,000 12,500 तक रैंक तक आराम से ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हिमाचल पे आते हैं। हिमाचल देखो, हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में आप देख पा रहे हो कि अपन के पास बहुत ढेर सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल है। मैं आप अपनी कैटेगरी का देख लेना, देखो जो लोग BCEWS वाले हो वो जनरल कैटेगरी, जो मैं बोल रहा हूँ जनरल कैटेगरी में 1,000 घटा लो वही जनरल का कट ऑफ हो सकता है ऑल इंडिया कोटा से, और OBCEWS उसमें और 500 500 घटा लो, मतलब OBCEWS वाले अराउंड 1,500 रैंक कम कर लो, तो आपको उतनी रैंक पे आपको ये पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक लगा लो। झारखंड पे बढ़ते हैं, तो भाई झारखंड आप देख पा रहे हो, झारखंड में आपको 10,581 पे जमशेदपुर, यानी कि इस बार मान के चलो आराम से 12,000 तक जमशेदपुर मिलेगा, धनबाद 12,300 400 तक मिल जाएगा, जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, और नीचे जाएगा बाकी सारी कैटेगरीज का।
कर्नाटका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, भाई कर्नाटका में बहुत ढेर सारे कॉलेजेस आप देख पा रहे हो, बंच ऑफ कॉलेजेस अवेलेबल है गवर्नमेंट की। तो भाई आप देख सकते हो, आपको जो भी आपके डिजायर्ड कॉलेज है, आप इसमें से अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें से कोई कॉलेज लेना चाहते हो, बिल्कुल यू कैन गो फॉर इट एंड बिल्कुल आपको मिल जाएगा। आप अपनी कैटेगरी रैंक, मतलब आप अपनी जैसे ऑल इंडिया रैंक से कंपैरिजन कर सकते हो, आप एस सी एस टी कैटेगरी से हो तो भी। अब आते हैं, बात करते हैं केरला से। तो केरला में भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका अपना अपन ट्रेंड देख पा रहे हैं। गाइस परेशान मत होना, आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चैनल जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल, क्योंकि गाइस ये समझ लो कि चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इसमें तेरा घाटा। क्यों मैं बोल रहा हूँ इसमें तेरा घाटा, क्योंकि ऐसा समझ लो अभी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की वो बताऊंगा प्रायोरिटी ऑर्डर, कि ऑल ओवर इंडिया में क्या प्रायोरिटाइज हम लोग को करना चाहिए, कौन सा कॉलेज किसके ऊपर प्रायोरिटी देनी चाहिए। मान लो मैं केरला से हूँ तो मेरे को केरला में क्या प्रायोरिटी मेरी होनी चाहिए, मान लो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो मेरी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आप किसी भी राज्य से हो, इंडिया के किसी भी राज्य से हो, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट ऑल द इनसाइडर इन्फो। सब कुछ इनसाइडर इन्फो ही है, जनरली नहीं मिलता आपको एक कोई पर्टिकुलर चैनल आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया की काउंसलिंग नहीं कवर करता है, मगर मैं गारंटी कह रहा हूँ ये इकलौता चैनल है जो आपको पूरी इंडिया की काउंसलिंग कवर करेगा। तो केरला को हम लोगों ने कॉलेजेस देख लिए, चलो आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश पे आते हैं। तो मध्य प्रदेश में बंच ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप देख पा रहे हो बंच ऑफ मेडिकल कॉलेजेस पे। रैंक देखना, मार्क्स को मत देखना, मार्क्स से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है सर। 526 EWS जनरल गवर्नमेंट, प्लीज़ बेटा जब भी मार्क्स नहीं कमेंट करो, रैंक कमेंट करो, दूसरी चीज़ कैटेगरी कमेंट करो, तीसरी चीज़ स्टेट कमेंट करो अपना कौन सा स्टेट है, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र 37 के रैंक जनरल मेडिकल को, प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ रैंक कमेंट करो, स्टेट कमेंट करो, कैटेगरी कमेंट करो, ठीक है। अगर आप बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो आप उनका कट ऑफ देख सकते हो। आपको जो भी मेडिकल कॉलेज, मान लो मेरा मन है कि भाई मेरे को तो भाई पढ़ना है, मेरे को ग्रांट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, तो ग्रांट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक 2828 दिखा रहा है। तो इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है, 3500 के आसपास जा सकता है कट ऑफ, ठीक है। आपको सिंपल सा फंडा क्या करना है, जो भी रैंक बन रही है उसमें 20% बढ़ा दो, 20% बढ़ाओगे तो आपको लमसम आपको इस बार का कट ऑफ मिल सकता है। अभी हम लोग आखिरी में डिस्कस करेंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है हमारा, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन अभी होगा इसमें, डोंट वरी, मगर अभी के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि समझो ना कि कोई पर्टिकुलर कॉलेज आपको भी चाहिए। मेरे को तो इस साल, मेरे को तो ऑल इंडिया कोटा से यही कॉलेज चाहिए, तो यही कॉलेज चाहने के लिए आपको आपकी कैटेगरी में आपको कितनी रैंक चाहिए ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। 239673 रैंक यूपी जनरल भैया एनी कॉलेज, MBBS तो नहीं मिलेगा आप भी जानते हो, BMS भी नहीं मिलेगा आप भी जानते हो, BHMS भी शायद नहीं मिलेगा ये भी आप जानते हो। सो बेटर आई विल से कि आप ड्रॉप लो और एक प्रॉपर मेहनत करो। 64799 मतलब 64800 रैंक जनरल झारखंड जनरल EWS सॉरी नो चांस। 73 के EWS झारखंड सॉरी नो चांस। 4.5 लाख जनरल दिल्ली एनी प्राइवेट, हाँ प्राइवेट मिल जाएगा आपको, यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मणिपुर में, देखो भाई मैंने कोई राज्य नहीं छोड़ा है, देख लो ABCD उतरते हुए आ रहे हैं लिटरली, ठीक है ना। देखो मणिपुर आया, मणिपुर के दो कॉलेज हैं उनको भी कवर कर लिया। आते मेघालय, देखो ये सब कोई नहीं कवर करता। अगर आप लोग में से कोई नॉर्थ वही सेवन सिस्टर स्टेट से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, तो आप लोग जानते हो कि भाई आपकी काउंसलिंग बहुत लिमिटेड चैनल्स हैं जो इंडिया में कवर करते हैं, और मैं इकलौता चैनल, ये आपको इकलौता पर्सन हूँ जो यूट्यूब पे इंडिपेंडेंटली काम करता हूँ, कोई मेरी टीम नहीं है मेरी, पहली चीज़ जानो मैं MBBS स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ, तो मेरी कोई टीम नहीं है, मगर मैं इकलौता ऐसा हूँ जो पूरे ऑल ओवर इंडिया की काउंसलिंग कवर करता हूँ। तो देखो मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, अब आ रहे हैं अपन मिजोरम में। तो मिजोरम का भी आपको 15024 दिखा रहा है, इसको मान लो या 18000 रैंक तक इस बार चला जाएगा। उड़ीसा पे आते हैं, उड़ीसा का आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे कॉलेज की, भाई ये कॉलेज हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ये कॉलेज अवेलेबल है। इसमें देखो आपको कौन सा कॉलेज है, अगर आप सोच रहे हो नहीं भाई मेरे को ऑल इंडिया कोटा से उड़ीसा का कॉलेज लेना है, तो मान लो मेरा मन है कि मेरे को बरहामपुर लेना है, तो 9645 कट ऑफ गया था, मैं इस बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 11000 रैंक तक आराम से बरहामपुर मेरे जेब में रहेगा, ठीक है। मैंने आपको सिंपल सा फंडा क्या बताया है, 20% रैंक बढ़ा दो, 20% आता है ना, कैलकुलेट करना आता है, मानते थोड़ा सा मैथ्स तुम लोग की वीक है, मगर तब भी 20% तो समझ ही गए होंगे तुम लोग को, जो जिसको भी भाई कोई भी कैसी भी रिक्वायरमेंट हो भाई, तुम लोग को सिंपल सा ये फंडा बता देता हूँ समझ लो। पहला काम क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, चैनल क्या करना है सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। चैनल जब सब्सक्राइब हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है,
उसके बाद आपको भाई, रुक जाओ मैं क्या ड्राइंग करता रहता हूँ मैं भी नहीं जानता हूँ, ठीक है। सो गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, चैनल जब सब्सक्राइब हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टा पे मेरे को फॉलो कर लेना। अगर इंस्टा पे हो तो सब लोग रिदम श्रीवास्तव सर्च कर लेना, RHYTHMSRIVASTAVA, रिदम श्रीवास्तव सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे। ये आप सर्च कर लोगे, आप नाम की स्पेलिंग देख पा रहे हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो लोग बोल रहे हो कि भैया मैं बोलता हूँ ना मेरा नाम, गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल पे आ जाएगा, तो भाई मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। अभी आपको दिखा देता हूँ, लो मैं देखो गूगल पे सर्च कर रहा हूँ रिदम श्रीवास्तव से, मैंने सर्च किया गूगल पे एंड आप देख पा रहे हो गूगल पे, देखो मेरा नाम, मेरी फोटो, मेरी सारी चीज़ें आ जा रही है। देखो रिदम श्रीवास्तव जो इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है वो भी मेरी आईडी है, ठीक है। तो आप अगर मेरे बारे में सर्च करोगे गूगल पे डालोगे तो सब कुछ आपको मेरे बारे में मिल जाएगा, ठीक है। देखो लिख के आ रहा है ना हर जगह, ठीक है। समझ गए होगे आप, ठीक है। तो एनीवेज आते हैं अपने मुद्दे पे, आते हैं वापस, ठीक है। तो इंस्टा पे भाई रिदम श्रीवास्तव सर्च कर लेना और मेरे को फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो आते हैं तुमको, जो हम कट ऑफ दिखा रहे थे वहीं पे आ जाते हैं वापस, ठीक है। चलो चलो कट ऑफ पे आते हैं। चलो तो हम लोग उड़ीसा मेडिकल कॉलेज डिस्कस कर रहे थे, उड़ीसा मेडिकल कॉलेज में आ गए हम लोग, ठीक है। उड़ीसा मेडिकल कॉलेज को डिस्कस करें तो उड़ीसा मेडिकल कॉलेज को चलो हो गया। देन हम लोग आते हैं पुडुचेरी पे। पुडुचेरी में अपने पास एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 11,728 रैंक बता रहा है, जिसको मान लो ये आपका खिंच जाएगा, आराम से खिंच जाएगा। मिनिमम मरी गिरी हालत में इसको ले जाओ 14,000 रैंक तक, ठीक है। 13-14,000 रैंक तक जाएगा भाई, परेशान नहीं। पंजाब, पंजाब भाई बहुत मतलब डिमांडिंग स्टेट रहता है, क्योंकि जैसे नॉर्थ में होता है लोग पंजाब को भी काफ़ी अच्छा मानते हैं, तो मेरे हिसाब से भाई 20% बढ़ाओ। जहाँ ना समझ में आए 20% बढ़ा लो अभी के लिए, यही समझो। क्यों मैं 20% बढ़ाने को कह रहा हूँ, क्योंकि भाई सीट बढ़ी है, सीट बढ़ी है तो कट ऑफ घटेगा। हाँ पिछली बार से कितना कट ऑफ घटेगा ये मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा घटेगा, क्योंकि समवट कट ऑफ वैसा ही रहेगा, मगर हाँ रैंक पे अगर देखोगे तो रिलेटिव टू रैंक हाँ भाई घटेगा, घटेगा, ठीक है। कट ऑफ 60 बताया बेटा संगीता, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा इतने रैंक पे। और कोई नए बच्चे कौन कमेंट किया है, 650 जनरल बेदान, मार्क्स मत कमेंट करो, रैंक आ गई ना, रिजल्ट आ गया ना, तो अब रैंक कमेंट करा करो। 655 पे बहुत रैंक है, 50 लोगों की रैंक है मान लो। मैं तो मैं बोलूंगा कि यार हो सकता है तुमको मिल भी जाएगा, नहीं भी मिलेगा तो मैं क्या बोलूं बताओ। तो इस वजह से रैंक मत कमेंट करो, मार्क्स मतलब कमेंट, मार्क्स मत कमेंट करो, रैंक कमेंट करो अपनी, ठीक है। 619, 13,100 रैंक यूपी में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उसी के लिए बेटा ये वीडियो चल रहा है। राजस्थान से अगर आप हो तो राजस्थान में आप देख सकते हो ये कॉलेज हमारे पास अवेलेबल है। इसमें आप 20% बढ़ाओगे और अपना कॉलेज डिसाइड कर लोगे, भाई मेरे को कौन सा कॉलेज मिलने जा रहा है। ऑल इंडिया कोटा का डिस्कशन हो रहा है, स्टेट कोटा का लेना देना इसमें नहीं है, पहली चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते तमिलनाडु, तमिलनाडु में बहुत मेडिकल कॉलेजेस आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, देख लो जो भी कॉलेज भाई जहाँ पे भी लग रहा है आपको। ये वीडियो आप मैं शेयर कर दूंगा तो तुम लोग इसको पॉज करके देख भी सकते हो कि कौन सा कॉलेज आपको कहाँ पे क्या चाहिए, क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। देखो देख रहे हो कितने ढेर सारे, जैसे मान लो ये राजा मुथिया मेडिकल कॉलेज अन्ना मलाई नगर लिखा हुआ है, 15,038, तो ये इस बार आराम से 17,000 17,500 रैंक तक मिल जाएगा। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना का आप ट्रेंड देख पा रहे हो, ठीक है। त्रिपुरा देखो मैंने कोई भी स्टेट नहीं छोड़ा, मिजोरम मेघालय सब लिया है, मणिपुर से लेके देखो त्रिपुरा आया तो वो भी लिया है, कवर किया है। आते उत्तराखंड, तो उत्तराखंड को भी देखो भाई, देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पर उत्तराखंड। आते उत्तर प्रदेश, अभी आप पूछ रहे थे ना ऑल इंडिया कोटा से, अगर आप 13,100 रैंक पे लेना चाहोगे तो भाई आपको अयोध्या भी मिल जाएगा और बाकी उसके नीचे वाले सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। सैफई तक कॉलेज मिलना मुश्किल रहेगा, उसके बाद आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। 25,700 पे मिलेगा क्या, इसके ऊपर डिस्कशन होगा आखिरी में, थोड़ा सा सब्र बनाए रखें अपना, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल की बात करें भाई, तो वेस्ट एमपी की कितनी रैंक जाएगी, ज्योति मैंने एमपी का ऊपर डिस्कस कर लिया है, मैं अल्फाबेटिकली चल रहा हूँ। तो अभी हम लोग डब्ल्यू पे आ गए हैं, ए से हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो डब्ल्यू पे आ गए तो आप देख सकते हो ये मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे और ये कट ऑफ उसका जा रहा है, ठीक है। सो ये हो गया आपका एमबीबीएस का कट ऑफ। अब मैं आपकी एक बार जल्दी से क्वेरी ले लेता हूँ, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या कट ऑफ गेस कर रहा हूँ एमबीबीएस का। तो इंस्टा पे भाई पहली चीज़ आप लोग क्या करो, मेरे को रिदम श्रीवास्तव जाके फॉलो कर लो, कोई भी डाउट हो, कैसी भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इंस्टा पे रिदम श्रीवास्तव सर्च कर लो, फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, बड़े साफ राइटिंग में लिख दे रहा हूँ, रिदम श्रीवास्तव, इसको गूगल कर लो तो भी इंस्टा आईडी मेरी मिल जाएगी और ऐसे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी,
इतना यूनिक नाम है, मिल जाएगा। ठीक है, तो रिदम श्रीवास्तव भाई सर्च कर लो, चाहे तुम चाहे इंस्टा पे आके सर्च कर लो, चाहे जहाँ सर्च कर लो भाई, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लोगे तुम्हारा जो मन में डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी बढ़ाते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। ओके, सो मैंने आपसे बोला था कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो जिसने कर लिया था उसकी कोई ज़रूरत नहीं, जिसने नहीं किया भाई कब करोगे, किसका इंतज़ार हो रहा है, कोई आएगा बोलेगा तब करोगे। देखो मैंने इतना ज़्यादा मैंने सब्सक्राइब करने के लिए बोल दिया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा ही फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। ठीक है ना, 665-2075 यूपी जनरल केजी में बिल्कुल मिलेगा आदर्श, बिल्कुल मिलेगा। किरण सखवार 226,932 एससी एंड एमपी, मैंने अभी दिखाया था कट ऑफ, मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। वेस्ट बंगाल का दिखाओ, वेस्ट बंगाल का अभी दिखा ही रहा था मैं, वेस्ट बंगाल पे आते हैं। वेस्ट बंगाल का ये देखो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, इसमें 20% आपको ऐड करना है। ठीक है, जनरल में और एससी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता भाई, क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है धीमे धीमे, तो आप ऐसा कर सकते हो। 630 मार्क्स या यार 9179 यूपी बोथ विच कॉलेज भाई, आप चले जाओ, बीआरडी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना एमएलबी और सैफई तो आपका रखा ही हुआ है। ठीक है, अपराजिता आपको कॉलेज मिल जाएगा 25,700 पे, बताइए क्या किया जाए। हाँ यार भाई, पहले आप आपका डिस्कशन कर दिया जाए कि भाई 25,700 पे क्या करना चाहिए। ठीक है, ओके ओके ओके, 25,700 पे हमको क्या करना चाहिए। चलो तो भाई पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया कोटा का मैं कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये देखो ऑल इंडिया कोटा का जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही कुछ कट ऑफ रहेगा। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ देखो, पहली चीज़ मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये आफ्टर स्ट्रे वैकेंसी का है। ठीक है, मतलब ये मैं सेकंड राउंड का कट ऑफ नहीं, आपको स्ट्रे वैकेंसी का मतलब लास्ट कट ऑफ गेस बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ये कलर आपको दिख नहीं रहा ना सर, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो क्या कट ऑफ हो सकता है, ईडब्ल्यूएस से हो तो क्या हो सकता है, ओबीसी हो तो क्या हो सकता है, एससी हो तो क्या हो सकता है, और एसटी हो तो क्या हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, 172 पीडब्ल्यूडी राजस्थान जनरल कौन सा मिलेगा, कौन सा की बात नहीं, मिल जाएगा आपको कॉलेज, ये गारंटी है। कौन सा मिलने की भाई, अभी प्लीज़ इतना ना पूछो कि कौन सा मिलेगा, क्योंकि आप कौन से के सिचुएशन में अभी नहीं हो, क्योंकि वो स्टेट जब रिलीज हो जाएगी मेरिट तब मैं आपको बता दूंगा। ओके फाइन, सो गाइज देखो मेरे हिसाब से जो इस बार ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ जो आखिरी में, मतलब आफ्टर स्ट्रे वैकेंसी सारी काउंसलिंग वाउंसलिंग खत्म होने के बाद, इस बार सिंस एक नया रूल आया हुआ है कि आपका सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा के आप सीट नहीं छोड़ पाओगे, या स्टेट के आप सेकंड राउंड की सीट नहीं छोड़ पाओगे, आप मॉपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, जो कि पिछली बार लोगों ने बहुत धड़ल्ले से किया था, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक 22,800 पे या 23,000 रैंक तक आपको स्ट्रे वैकेंसी के बाद तक कॉलेज मिल जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। ये डेटा वेरी भी कर सकता है, ठीक है, ठीक है, ये मेरा मानना है, कोई ज़रूरी नहीं सही हो। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की मेरे हिसाब से 23,400 से 23,500 तक में ख़त्म हो जाएगा ईडब्ल्यूएस। ओबीसी 23,300 से लेके 23,500 के बीच में ख़त्म हो जाएगा। एससी की बात करें तो एससी आपका ऑल इंडिया कोटा से 1,12,000 तक में ख़त्म हो जाएगा, और एसटी की बात करें तो एसटी आपका 1,25,000 तक में ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका है ओवरऑल कट ऑफ क्या हो सकता है आपका आखिरी में, आफ्टर एट द एंड ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड, मतलब ये शुरू का नहीं है कट ऑफ, फर्स्ट राउंड में जब आएगा तो हो सकता है आप देखोगे 15,000 पे ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इससे परेशान होने की बात नहीं। मुकेश सैद भाई, नाद भाई, आपको जो भी नाम है प्लीज़, आपको मिल जाएगा कॉलेज, में आपको बता दिया। 587 EWS UP रैंक 27,000 सॉरी नो चांसेस, अकॉर्डिंग टू मी नो चांसेस, आप काउंसलिंग जरूर कराना आखिरी तक। ठीक है, सो गाइज आपके सामने स्क्रीन पे मैंने कट ऑफ लिख दिया है, मोस्ट प्रोबेबल कट ऑफ यही होने वाला है, तो मेरे हिसाब से तो एक होने वाला है कट ऑफ आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो। अगर आप इसके अंदर लाई कर रहे हो तो आपको श्योरली कॉलेज मिलेगा, और इसके थोड़ा सा नीचे लाई कर रहे हो तो भी परेशान होने की बात नहीं है,
यूपी ओबीसी 9179 सुजीत कुमार गुप्ता, एम्बुलेंस मिलने की चांसेस है? एम्बुलेंस मिलने की चांसेस भाई बहुत मुश्किल है, 9100 पे। कर्नाटका में अगर आपको मोहम्मद कैफ आपको कॉलेज लेना है तो आई सजेस्ट कि आपको कॉमेड के वाले जो कॉलेज है, एमएस रमैया हो गया या यार इसी तरह के कॉलेजेस है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी, आप वो सब ट्राई कर सकते हो, बैंगलोर में कॉलेजेस हैं। ठीक है, 557 एससी रैंक यूपी रैंक 44,000, हाँ केजीएमसी मिल जाएगा भाई आपको, मिल जाना चाहिए। PW2 की कट ऑफ जनरल बताओ। देखो यार भाई एक बार बताऊं, PWD बहुत कम प्रपोर्शन में लोग होते हैं तो उनका कट ऑफ एग्जैक्ट बता देना कि यार इतना ही रहेगा, मैं नहीं कह सकता, 160 के ऊपर रख लो। सर BDS का भी बता दो, चलो BDS का भाई कौन कौन जाना चाहता है, मैंने बता दिया यशानंद आपको कि आपको KGMC मिल सकता है, BDS का कौन कौन जाना चाहता है भाई बताओ जल्दी से। कोई नहीं जानना चाहता BDS का, तुम ना बताऊ मैं ये MBBS का बताया हूँ जो आप देख रहे हो, ये MBBS का। राजस्थान में टोटल कितने कॉलेज हैं PWD के बेटा? सारे कॉलेज में PWD की सीट्स होती है। आए चलो, अब आप लोग बोल रहे हो तो मैं BDS भी डिस्कस कर ही लेता हूँ, चलो आ जाते हैं BDS डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, स्टेट वाइज डेंटल कॉलेज स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपका ऑल इंडिया कोटा में डिस्कस किया, MBBS का डिस्कस किया, वैसे ऑल इंडिया कोटा, अब डेंटल डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है, इसमें 20% ना बढ़ाना, इसमें 10% ही बढ़ाना, क्योंकि 10 या 5% ही बढ़ाना, ठीक है, उतना आपको उतने उस रैंक पे कॉलेज मिल जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में आते हैं, तो आंध्र प्रदेश में दो डेंटल कॉलेज हैं आप देख पा रहे हो, असम आप देख पा रहे हो, फिर बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटका, केरला, ठीक है, महाराष्ट्र, मणिपुर, न्यू दिल्ली, ठीक है, देख रहे हो ये कॉलेजेस आप देख पा रहे हो, अपनी कैटेगरी रैंक वो सारी चीज़ें देख पा रहे हो, देख लेना। ठीक है, मैंने सारे देखो सब कुछ कॉलेजेस दिखाए हैं बाकायदा उनके स्टेट के साथ ही, कौन से स्टेट में क्या कौन सा कॉलेज है, फिर मणिपुर, न्यू दिल्ली हो गया आपका, फिर उड़ीसा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगर पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी, प्रेरणा अभी भी आप बैठे हो क्या? हाँ यार अभी आया हूँ ऑनलाइन, बच्चों की रिक्वेस्ट पे पूरा मैं डेटा दिखा रहा हूँ MBBS का और BDS का, ऑल इंडिया कोटा से क्या कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पंजाब, देखो सारे ऑल ओवर इंडिया के जितने स्टेट हैं सब कवर किए हैं जहाँ जहाँ BDS की सीट है भाई, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो आप भाई प्लीज़ अपने मार्क्स ना कमेंट करो, रैंक कमेंट करो और स्टेट कमेंट करो, कैटेगरी कमेंट करो। ठीक है, तो ये आपका पूरा ओवरऑल कट ऑफ रहा जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, इतने स्टेट्स का कट ऑफ अपन ने डिस्कस किया इस वीडियो में। ठीक है, सो जल्दी से अपनी क्वेरी पूछ लो, फिर मैं रात को आऊँगा ऑनलाइन एक बार और, उस टाइम फ़ोन से आऊँगा ऑनलाइन, अभी लैपटॉप आईपैड और बहुत कुछ ताम झाम फैला के आया हूँ ऑनलाइन। सो 16,580 एट MP बिल्कुल मिल जाएगा कॉलेज यार, कहने की बात ही नहीं है। तो भाई सब लोग मैं फिर से बोल रहा हूँ, मिस मत करो ये चीट कोड, तुम लोग का लॉस होगा। ये मैंने आपको कट ऑफ बताया ऑल इंडिया कोटा का, आफ्टर स्ट्रे वैकेंसी क्या हो सकता है कट ऑफ, और मैंने आपको बोला था कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या होगा, पाप लगेगा पाप, ठीक है ना। 593 जनरल EWS 24173 एनी चांस? बहुत कम चांसेस है, मगर ट्राई ज़रूर करो, बिल्कुल ट्राई करो। 600 जनरल UP 21,000 बिल्कुल मिलेगा कॉलेज, थोड़ा वेट करना पड़ेगा मगर मिलेगा, सब्र रखना बस। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, किसी भी राज्य से हो, इंडिया के हो ना,
तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज़ आपको, दूसरा काम मैंने क्या बोला था, ये काम कर लेना। इंस्टा पे क्या करना है, मेरे को फॉलो कर लेना है। इंस्टा पे फॉलो नहीं करे हो तो भाई कर लो, इंस्टा पे जाकर रिदम श्रीवास्तव सर्च कर लो। जो भी क्वेरी होगी मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दोगे, मैं आपकी सारी क्वेरी का रिप्लाई दूंगा। इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी भी कल से, कल रात से मेरे पास सुबह तक 200-250 मैसेजेस आ चुके हैं। प्लीज़ इंस्टा पे आप कॉल मत किया करो, जैसे मतलब डिस्टर्ब हो जाता है मेरा अपना भी शेड्यूल, ठीक है, तो कॉल मत किया करो इंस्टा पे। आपकी जब जो क्वेरी, जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यार भाई मेरा मेरा भी कॉलेज है। कल रात को लिटरली मैं 2:30 बजे सोया हूँ और सुबह फिर उठ के चला गया कॉलेज, और फिर अभी आपके लिए लाइव आया हूँ। तो थोड़ा सा यार सोचो यार, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। कल आपके लिए मैं अराउंड 3.5-4 घंटा लाइव रहा हूँ और लगातार बोलता ही रहा हूँ। कल के जो सेशन में थे बच्चे वो देखे होंगे, तो आपके लिए मैं एक कर रहा हूँ, और सिर्फ एक स्टेट को फोकस नहीं कर रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया को फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका ओवरऑल, तो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मेरे को, ठीक है। जिसने नहीं किया कर लो भाई, किसका इंतज़ार कर रहा हो, किसका है तुमको इंतज़ार, कर लो ना फॉलो। SMS मेडिकल कॉलेज में PWD की कितनी कट ऑफ जाएगी ऐसे नहीं बताया जा सकता। मैंने कहा स्टेट का वेट करो, लिस्ट का वेट करो, आपके ऊपर कितने PWD इसका वेट करो। 580 EWS भाई, मार्क्स कमेंट नहीं करो, रैंक कमेंट करो, कैटेगरी कमेंट करो, स्टेट कमेंट करो, ये तीन चीज़ कमेंट करो जल्दी से। उसके बाद मैं चल रहा हूँ, समझ रहे हो, मैं चल रहा हूँ। उसके बाद चैनल सब्सक्राइब कर लो, नहीं करा तो कर लो, यही है मौसम सब्सक्राइब करने का। चैनल सब्सक्राइब करो जल्दी से, धड़ल्ले से जाओ चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। नहीं किया तो करो अभी, चैनल सब्सक्राइब करो। देखो कितना मस्त मैंने सजा दिया यार, एटलीस्ट मेरे ड्राइंग ही देख करके यार मेरे को। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपकी सारी क्वेरीज पूरी हो जाएगी। दूसरा काम आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। फाइनल कट ऑफ जो मैंने गेस किया है वो समवॉट कुछ ऐसा हो रहे वाला है, ठीक है। सो ऐसा कट ऑफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा कट ऑफ रहेगा। बाकी मेरी राइटिंग बहुत महान है, तो किसी को कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप बता देना। 18,382 रैंक UP OBC विच कॉलेज आई कैन एक्सपेक्ट, आपको 2019 वाले कॉलेजेस मिलेंगे, हो सकता है 21 वाले ही मिले, अश्योर नहीं किया। 7 कॉलेजेस हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रेंज है। 34,000 रैंक हरियाणा EWS एनी चांस, सॉरी आई डोंट थिंक सो कि आई गोइंग टू मेक पॉइंट। क्या यूपी में न्यू कॉलेज इंक्रीज होंगे? नहीं, इस साल तो कुछ नहीं हो रहा भाई, ठीक है। सो मैंने आपको ओवरऑल कट ऑफ बताई है, कि बता दिया कि ये कट ऑफ हो सकता है, आपने सुन भी लिया कि ये कट ऑफ हो सकता है, ओके। सो कट ऑफ देख के समझ गए होगे भाई कि कैसा ट्रेंड रह सकता है, क्या हो सकता है। स्क्रीन पे आपके है, उसके पहले आपको क्या काम करना है, इतना मस्त मैंने डिज़ाइन में सजा दिया है, तो चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। खूब प्यार बांटो भाई, प्यार बांटने से ही प्यार बढ़ता है। तो गाइज अभी मैं फिर चलता हूँ, आपको मैंने ओवरऑल लमसम समरी दे दिया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और जिसको जो भी मन में सवाल है कि भैया, या जो भी मेरे को मानते हो, जो भी मन में सवाल है पूछ लो भाई। रिदम श्रीवास्तव गूगल पे सर्च कर लो या इंस्टाग्राम पे सर्च कर लो रिदम श्रीवास्तव, और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करके चले आओ मेरे पास। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करके मेरे पास चले आओ, जो भी मन में सवाल है, जो भी आपके मन में सवाल है, कुछ भी सवाल, जो भी मन में सवाल है आओ मेरे पास, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा आपके, ठीक है। तो बस मैं अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि रात को भी लाइव आना रहेगा, और रात को अपन मिलेंगे तो अपन कोशिश करेंगे कि आपको ये जो अभी मैंने आपको लिस्ट दिखाई है और डिटेल में उसके ऊपर डिस्कशन हो जाए, ठीक है, क्या कट ऑफ रह सकती है। तब तक अपने आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना मैंने आपको आइडिया दे दिया। इसे कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद कुछ वीडियोज़ आएंगे जिसमें हम लोग स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे हर कैटेगरी के लिए। तो इसे कह रहा हूँ, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो। कोई भी क्वेरी आए, कभी भी जिंदगी में कोई भी परेशानी आए, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, और मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको चाहे थोड़ा सा वक्त लगे रिप्लाई मिलने में, मगर रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं आप मेरे को मैसेज करो और आपको रिप्लाई ना मिले, अनटिल अनलेस आपने बहुत फालतू मैसेज किया हो, ठीक है। सो 23,588 OBC उत्तर प्रदेश, भाई मेरे अकॉर्डिंग देखो, मैंने जो कट ऑफ गिस किया है उसके हिसाब से तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, जो मैंने कट ऑफ गिस किया है। बाकी देखो यार क्या रहता है, ये मैंने ऑल इंडिया कोटा के गेस किया, स्टेट का भी समवॉट ऐसा ही रहेगा। पिछली बार यूपी के स्टेट का सेकंड राउंड का कट ऑफ फर्स्ट राउंड से ज़्यादा चला गया था, अगर आप लोग पिछले साल रहे थे तो। यश आनंद मैं आप स्पैम कर रहे हो, मैं आपको कम से कम 10 बार बता चुका हूँ कि आपको KJMU मिलने के चांसेस हैं,
आप कम से कम ये 50वां मैसेज कर रहे हो, ठीक है। चलो मैं अब चलता हूँ भाई, बहुत मेहनत लगी यार ये सेटअप वेटअप लगाने में यार, आईपैड को इससे कनेक्ट किया भाई, दिमाग की दही होगी लिटरली। आईपैड, एप्पल पेंसिल, इसको कनेक्ट करो, इसको ऑप्स से कनेक्ट करो, ऑप्स को लैपटॉप से कनेक्ट करो, फिर भाई कास्ट करो, भाई बहुत ज़्यादा दिमाग की दही होगी। तो शाम को भाई नॉर्मली मैं फ़ोन से लाइव आऊँगा, जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी उसको पूरी करूँगा, ठीक है। काउंसलिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं आपके, वो सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, रात को अपन मिलेंगे 11 बजे के बाद, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लो, तब तक भाई मस्त पढ़ते रहो। 26,000 यूपी ओबीसी नहीं चांस है, मेरे से आपसे नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो भाई अच्छे से पढ़ते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, ठीक है। चलो गाइस तो चलता हूँ फिर मैं, अलविदा लेने का वक्त आ गया है आपसे, ठीक है। चलो फिर गाइस, चल रहा हूँ मैं, चलो भाई, बाय बाय, टाटा बाय।